तो गाइस आज की वीडियो एकदम ही सिंपल है। हमें बस हाउ टू इंस्टॉल एनी कार बाइक मोड इन 50 सेकेंड्स या 1 मिनट अप्रॉक्स, इतना आप ले लो। बस हमें करना कुछ नहीं है, कोई भी एक बाइक और कार की कोई भी एक मोडेड फाइल इंस्टॉल कर लो, उसे एक्सट्रैक्ट करके उसकी डीएलसी वाली एक लिस्ट आती है डीएलसी पैक की, उसे कॉपी करके अपने गेम की डायरेक्टरी में मोड्स का फोल्डर होगा, जैसे कि एरी में गेम्स की डायरेक्टरी और मोड्स के फोल्डर में गए x64 या क्या DLC पैक, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। बस अब हमें जाना है वापस से डाउनलोड्स में, और जो भी आप डाउनलोड करोगे उस फाइल में हमेशा कहते हैं रीडमी फोल्डर होगा, उसे खोल के उसमें मतलब कि अगर आपको रीडमी फोल्डर ना भी दिया जाए, जो DLC लिस्ट का जो नाम होता है उसे आप कॉपी करके कहते हैं ओपन आईवी में कॉपी कर देना। जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसा ही होता है। देखिए मिड में इसके लिखा हुआ है V4SP, ये होता है DLC फाइल का नेम होता है ये। मतलब कि आप इसमें जब मेन्यू ट्रेनर में जब इसे एंटर करोगे तो क्या कहते हैं, इसमें आपको मतलब कि सर्च करने में ईजी रहता है। ये नेम आपका एक स्पेसिफिक नेम होता है कि जब भी आप जहाँ सर्च करोगे ये वो फोल्डर आपको मतलब वो मोड ओपन हो जाएगा उसमें। अब ओपन आई वी एम खोलते हैं, सबसे पहले इसमें एडिट मोड पर गए, यस कर दिया। अब इसमें जाएंगे मोड्स में, अपडेट्स अपडेट्स डॉट RPF कॉमन डेटा सबसे नीचे है, इसे यहाँ पे ओपन नहीं करना है, इसे आपको एडिट करना है। ओपन करेंगे तो इसमें मतलब आप एंटर या कहते हैं कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो इसे आप खोल के हम सीधे इस पर पेस्ट कर देंगे जो भी इसमें जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया, जो भी फोल्डर का नेम होगा कॉपी करके इसमें उठ कर दिया सेव। यहाँ पे आएंगे मैं एंटर किया V4SP, एंटर किया आ गया। तो बस इतना सा है, कोई भी मोड को मतलब कोई भी बाइक कार का मोड बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना, और इसमें आपको मतलब कि फुल कैसे मेन्यू ट्रेनर और नेटिव UI पूरा करना है, तो इसकी वीडियो भी जल्दी में कितनी जल्दी जल्दी कितनी आसानी से आपको मतलब बिना किसी वीडियो देखे आगे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए कैसे मोड इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है, मीटर से लेके कहते हैं हैंडलिंग तक हर चीज़। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।